ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और अब वक्त हो चुका है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। सेव लिप ड्रॉप्स, लीवर रोगों से मुक्ति एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए रामबाण नुस्खा। एसएस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, अब सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लोन लेना हुआ आसान। शिववानी टेलीकॉम, महा एक्सचेंज में पुराना मोबाइल देकर नया ले जाएं 0% इंटरेस्ट पर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 66 नए मामले, जबकि संक्रमण से 2 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में पड़ोसी ने झगड़े के दौरान चलाई गोलियां, 10 साल की मासूम के सिर में लगी गोली। कश्मीरी गेट स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मासूम की हालत नाजुक, पुलिस ने हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में किया मामला दर्ज, आरोपी फरार, फिलहाल जांच जारी। एमसीडी ने गफ्फार मार्केट को खाली करने का नोटिस 10 दिन बढ़ाया आगे, आईआईटी की रिपोर्ट पर लिया था एक्शन। सोमवार को जब दिल्ली दर्पण की टीम मार्केट पहुंची तो दुकानदारों ने बताया कि कुछ एमसीडी अधिकारी वहां आए थे जिन्होंने नोटिस को 10 दिन आगे बढ़ा दिया है। कोरोना काल में बंदिशों में मिली छूट से यात्रियों को बड़ी राहत, कोरोना काल में करीब 10 महीने बाद मेट्रो में 100% सीटों पर सफर कर सकेंगे यात्री। आज से भर जाएंगी मेट्रो और बस की सारी सीटें, लेकिन कुछ पाबंदियां अभी भी बरकरार। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में कारोबारी से दिन दहाड़े लूट करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने 30 लाख रुपए किए बरामद। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी की गई जब्त। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नजफगढ़ से किशन पहलवान गैंग के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी सुनील दहिया को किया गिरफ्तार। हत्या की कोशिश के मामले में चल रहा था वॉन्टेड। पुलिस ने सुनील के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। भूकंप के झटकों की वजह से दिल्ली मेट्रो की सेवा बाधित, कई स्टेशनों के गेट घंटों तक रहे बंद, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल की दिल्ली सरकार को सलाह, कहा कोरोना महामारी की दृष्टि से अगले 3 महीने बेहद जरूरी, इस दौरान रखें पूरी नजर, अनलॉक की गतिविधियों से बढ़ सकते हैं कोरोना के मरीज। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संसद तक ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व करने के आरोप में लिया हिरासत में। पुलिस ने कहा राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ट्रैक्टर रैली से सुरक्षा का हुआ गंभीर उल्लंघन। दिल्ली में आज हो सकती है बारिश, मंगलवार के लिए विभाग ने तेज आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। ऐसे ही तमाम भरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर